राधे राधे फ्रेंड्स, ओम गम गणपते नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे राधे, आप सभी भक्तजनों का इस नई वीडियो में स्वागत है। कामिका एकादशी 2024। कामिका एकादशी पर बनेंगे दुर्लभ संयोग, जाने सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण समय और व्रत कथा। कामिका एकादशी 2024 31 जुलाई 2024 को कामिका एकादशी व्रत रखा जाएगा। इस दिन विष्णु जी की पूजा आराधना से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। कामिका एकादशी सनातन धर्म में सावन माह कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। इस वर्ष 31 जुलाई 2024 को कामिका एकादशी है। यह विशेष दिन श्री हरि विष्णु जी को समर्पित माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है और व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। यह चातुर्मास महीने की पहली एकादशी है। कहा जाता है कि कामिका एकादशी का व्रत रखने से साधक पर विष्णु जी की कृपा बनी रहती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कामिका एकादशी का शुभ मुहूर्त, पारण समय और पूजा विधि और व्रत कथा। कब है कामिका एकादशी 2024? पंचांग के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि की शुरुआत 30 जुलाई को शाम 4:44 पर होगी और अगले दिन यानी 31 जुलाई 2024 को दोपहर 3:55 पर इसका समापन होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 31 जुलाई 2024 को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त इस दिन सुबह 5:32 से लेकर सुबह 7:32 तक पूजा का शुभ मुहूर्त बन रहा है। इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग में कामिका एकादशी मनाई जाएगी। पारण समय, जो लोग 31 जुलाई 2024 को कामिका एकादशी का व्रत रख रहे हैं वो 1 अगस्त को सुबह 5:43 से सुबह 8:24 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दिन द्वादशी तिथि का समापन दोपहर 3:28 पर होगा। पूजा विधि, कामिका एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान आदि के बाद साफ और स्वच्छ कपड़े पहनें, विष्णु जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। छोटी चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं, चौकी पर विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करें। अब माँ लक्ष्मी और विष्णु जी के समक्ष दीपक जलाएं, उन्हें फल फूल धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें, विष्णु जी की आरती करें और उनके मंत्रों का जाप करें और साथ ही श्री विष्णु सहस्रनाम का भी जप करें। अब कामिका एकादशी की व्रत कथा पढ़ें। अंत में सभी देवी देवताओं की आरती उतारें और पूजा समाप्त करें। कामिका एकादशी का व्रत रखने के लिए एकादशी व्रत कथा जरूर पढ़ना और सुनना चाहिए, इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। कामिका एकादशी पर इन 7 कामों से रखें दूरी, नहीं तो हो सकते हैं कंगाल। कामिका एकादशी पर न करें ये काम। कामिका एकादशी के दिन अनाज का सेवन वर्जित करना माना गया है। इस दिन तामसिक चीज़ों से दूर रहना बहुत ही जरूरी है। इस तिथि पर चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे आजीवन दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। कामिका एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ही आवश्यक होता है। कामिका एकादशी के दिन किसी के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। इस तिथि पर किसी के बारे में बुरा बोलने से बचना चाहिए। इस दिन गलती से भी बड़ों और महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। कामिका एकादशी का महत्व, कामिका एकादशी पर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। विष्णु पिता ने नारद जी को इस एकादशी का महत्व बताया है। उन्होंने कहा है कि जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की कथा सुनने से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिल जाता है। भीष्म कहते हैं, व्यतिपात योग में गंडकी नदी में और सूर्य चंद्र ग्रहण के दौरान स्नान करने से जितना पुण्य मिलता है उतना ही महापुण्य सावन महीने में आने वाली कामिका एकादशी पर व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने से मिल जाता है। इस दिन तुलसी पत्र से भगवान विष्णु की पूजा करने का भी विधान बताया गया है। शिव वास योग, कामिका एकादशी पर देवों के देव महादेव कैलाश पर्वत पर विराजमान रहेंगे। इस समय में भगवान शिव का अभिषेक करने से साधक को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। भगवान शिव दोपहर 3:55 तक
कैलाश पर रहेंगे। इसके बाद नंदी पर सवार होंगे। दोनों समय अभिषेक के लिए अनुकूल है। इस समय में भगवान नारायण की भी पूजा करने से साधक के सुख और सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी। सावन में विष्णु पूजा का महत्व। महाभारत और भविष्य पुराण में बताया गया है कि सावन महीने के दौरान भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इनके अतिरिक्त विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी जिक्र है कि सावन महीने में भगवान विष्णु की पूजा और व्रत उपवास से मिलने वाला पुण्य कभी खत्म नहीं होता है। पंचामृत और शंख में दूध भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करने से जाने अनजाने में हुए हर तरह के पाप समाप्त हो जाते हैं। पितामह ने बताया कि पूरे वर्ष भगवान विष्णु की पूजा न कर सकें तो कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। इससे बछड़े सहित गोदान करके जितना पुण्य मिल जाता है, सावन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा उपवास करने से सभी देवता, नाग, किन्नर और पितरों की पूजा हो जाती है, जिससे हर तरह के रोग, शोक, दोष और पाप समाप्त हो जाते हैं। कामिका एकादशी के व्रत से भगवान ने खुद कहा है कि मनुष्य अध्यात्म विद्या से जो लाभ होता है, उससे ज़्यादा फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस दिन व्रत करने से मनुष्य को यमराज के दर्शन नहीं होते, बल्कि स्वर्ग मिलता है, जिससे नरक के कष्ट नहीं भोगने पड़ते। भीष्म ने नारद जी को बताया कि कामिका एकादशी की रात में जागरण और दीपदान करने से जो पुण्य मिलता है, उसको लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। एकादशी भगवान विष्णु के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। जो ऐसे दीपक लगाता है, उसे सूर्यलोक में भी हजारों दीपकों का प्रकाश मिलता है। ऐसे लोगों के पितरों को स्वर्ग में अमृत मिलता है। कामिका एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, गोविंद, वासुदेव आपको मेरा नमस्कार है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पापनाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया, हे भगवान, हे कमलासन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है, उसका क्या नाम है, उसके देवता कौन है तथा उससे कौन सा पुण्य होता है, प्रभु यह सब बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, उसका नाम कामिका है। उसके स्मरण मास से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है, वह गंगा, काशी, नमशराणा तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी नदी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है, वे दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। जो ब्याई हुई गाय को अनन्य सामग्रियों सहित दान करता है, उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है, वही कामिका एकादशी का व्रत करने वाले को मिलता है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है, उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पाप भीरु मनुष्य को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका एकादशी के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका उद्धार करने के लिए कामिका एकादशी का व्रत सबसे उत्तम है। अध्यात्म विद्या परायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है, उससे बहुत अधिक फल कामिका एकादशी व्रत का सेवन करने वालों को मिलता है। कामिका एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके न तो कभी भयंकर यमदूत का दर्शन करता है और न कभी दुर्गति में ही पड़ता है। लाल मणि, मोती, वैदुर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते, जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया है, उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है, उस तुलसी देवी को नमस्कार है। जो मनुष्य एकादशी को दिन रात
दीपदान करता है उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है उसके पितृ स्वर्गों में स्थित होकर अमृतपान से तृप्त होते हैं। घी या तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित हो स्वर्लोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठर यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका सब पातकों को हरने वाली है, अतः मानवों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्लोक तथा महान पूर्ण फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म्य श्रवण करता है अथवा सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में जाता है। राधे राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। श्री राधे राधे, धन्यवाद।